तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो क्या होगा, डी वी इज इक्वल्स टू डेल एल रो डॉट, क्या हो जाएगा, डेल एल पाई क्रॉस डेल एल जेड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल रो रो कैप रो डी पाई पाई कैप इंटू डेल जेड जेड कैप. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, रो डी फाइव डी रो डी जेड डी जेड. ठीक है, ये होगा रो डी फाइव डी रो डी जेड. ठीक है, तो डी वी क्या मिलेगा आपको, डी वी इज इक्वल्स टू रो डी फाइव डी जेड. अब यहाँ पर हमने लाइन एलिमेंट भी देख लिया, सरफेस एलिमेंट भी देख लिया, और आपका वॉल्यूम एलिमेंट भी देख लिया. ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेडियंट कर्व और डाइवर्जेंट है वो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म और स्फेरिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने डाइवर्जेंट बताया, ग्रेडियंट बताया, कर्ल बताया, लेकिन वो कौन से फॉर्म में बताया, मैंने आपको ओनली एंड ओनली कार्टेशियन फॉर्म में बताया. लेकिन अब अपन क्या देखेंगे कि उसका फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब डिफरेंट फॉर्म में मीन्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल को अगर आपको डिफरेंट फॉर्म में लिखना है, मीन्स पोलार में लिखना है या फिर सिलेंड्रिकल में लिखना है या फिर स्फेरिकल में लिखना है, तो कैसे आएगा, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यू वी और डब्ल्यू और एफ जी एच उसके एलिमेंट्स होते हैं. तो फॉर द कार्टेशियन, फॉर द व्हाट, कार्टेशियन, कार्टेशियन के लिए यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई और जेड. ठीक है, और एफ एफ जी एच की वैल्यू क्या होती है, वन वन वन. ठीक है, देन अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल में, तो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल में आपके यू वी और डब्ल्यू क्या होते हैं, आर फाइव जेड, आर फाइव जेड. तो ये क्या हो जाएगा, वन आर वन. ठीक है, एफ जी एच की वैल्यू होती है. और यहाँ पर सिलेंड्रिकल का स्फेरिकल देखेंगे, अब स्फेरिकल में जो आपके ये होते हैं वो क्या होते हैं, रो थीटा फाइव, वो क्या होगा, रो थीटा फाइव. तो इसके जो ये है एफ जी एच की वैल्यू होती है वन आर आर साइन थीटा. अब ये जो एफ जी एच की वैल्यू है वो कहाँ से आई, वो अभी अपन ने फाइंड आउट किया ना, उसी से आई अपने पास, जो अभी अपन ने फाइंड आउट किया उसी से आई. बस ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल और लैप्लासियन का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो अगर आपको पता चल गया तो आप बस उसमें उस वैल्यूज को पुट करो और आप कोई भी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में उसको देख सकते हो. ठीक है, अगर ग्रेडियंट की बात करें तो सपोज ग्रेडियंट अगर आपके पास है, तो ग्रेडियंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डेल एफ होता है इक्वल्स टू डेल एफ बाय, अपन ने कार्टेशियन के लिए देखा था, कार्टेशियन के लिए क्या देखा था, डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाय डेल जेड के कैप. ये अपन ने किसके लिए देखा था, अपने कार्टेशियन के लिए. लेकिन स्फेरिकल और इसके लिए अगर बात करें तो आपके पास अगर एफ जी एच में लिखना पड़ेगा आपको, तो आपके पास होगा वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ डेल एफ बाय डेल यू आई कैप प्लस वन अपॉन जी डेल एफ बाय डेल वी जे कैप प्लस वन अपॉन एच डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू के कैप. तो ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर अपन ने कार्टेशियन में डायरेक्ट जब लिखा था, तो कार्टेशियन में एफ की वैल्यू क्या है, वन है, जी की वैल्यू क्या है, वन है, और एच की वैल्यू क्या है, वन है. तो बस यहाँ पर एफ जी एच की वैल्यू पुट करो, तो देखो वन बाय वन डेल एफ, यू में क्या है आपका, एक्स है ना,
टू डेल एफ बाय डेल एक्स आई कैप, वैसे ही प्लस वन बाय वन डेल एफ बाय डेल वाई जे कैप, ठीक है, प्लस वन बाय वन डेल एफ बाय डेल डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए क्या है जेड, तो जेड के कैप, तो यही से ये आया है, ठीक है। ग्रेडियंट अगर आपको सिलेंड्रिकल के लिए निकालना है तो आप ये काम करो, एफ के जगह आप यहाँ पर वन, जी के जगह आप आर और एच के जगह वन लिख दो, यू वी डब्ल्यू के जगह आप आर फाइव जेड लिख दो, तो आपको वो ग्रेडियंट जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे स्फेरिकल का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू को रो, वी को थीटा और डब्ल्यू को फाइव लिखना पड़ेगा, और एफ जी एच वन आर आर साइन थीटा रिस्पेक्टिवली ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट। वैसे ही जनरलाइज फॉर्मूला है अपना डाइवर्जेंट के लिए, तो डाइवर्जेंट के लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो अपन ने पहले कार्टिशन के लिए क्या देखा, जब आप डाइवर्जेंट निकालते हो तो कार्टिशन के लिए अपन ने देखा था कार्टिशन के लिए अपन ने डाइवर्जेंट कैसे देखा था, कार्टिशन के लिए एफ जो डाइवर्जेंट है वो अपना क्या था, एफ ऑफ यू डेल इंटू एफ था ना, तो एफ ऑफ यू एफ ऑफ एक्स था, है ना, एफ ऑफ एक्स डेल वाई डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई एफ ऑफ वाई प्लस डेल वाई डेल जेड एफ ऑफ जेड, ये था। लेकिन इसके लिए जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है, ग्रेडियंट के लिए जनरलाइज फॉर्मूला क्या है आपके पास, एफ डॉट, ये किसके लिए है आपका, ग्रेडियंट के लिए नहीं है, डाइवर्जेंट के लिए, ये क्या है डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन एफ जी एच इन ब्रैकेट डेल बाय डेल यू जी एच एफ यू प्लस डेल बाय डेल वी, अब यहाँ पर जी एच था क्योंकि यू है तो एफ नहीं था, यहाँ पर वी है तो जी नहीं होगा, मीन्स होगा आपके पास एफ एच एफ ऑफ v प्लस डेल बाय डेल जेड एफ, यहाँ पर h नहीं होगा g होगा एफ ऑफ w, तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस। यहाँ पर आपने कार्टिशन करना है तो एफ जी एच की वैल्यू वन 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 डाल दो और एफ यू यू की वैल्यू अपन r x, v की y और z की आप क्या डाल सकते w के क्या डाल सकते हो z, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर द डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वैसे ही अब कर्ल के लिए देखो, कर्ल के लिए क्या होगा, कर्ल के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो होगा आपके पास, कर्ल के लिए जो बेसिक फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में था ना, आई जे के फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड फिर उसके नीचे, तो उसी फॉर्मूला को आपको जनरलाइज फॉर्मूला में मैं लिखकर बताती हूँ। तो ये जो कर्ल के लिए जनरलाइज फॉर्मूला था वो था आपके पास डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू आपके पास होगा वन ऑफ एफ जी एच वन बाय एफ जी एच एफ ऑफ यू कैप जी वी कैप और फिर एच डब्ल्यू कैप, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डेल बाय डेल यू डेल बाय डेल वी एंड डेल बाय डेल डब्ल्यू, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर होगा एफ ऑफ एफ यू जी ऑफ एफ वी और एच ऑफ एफ डब्ल्यू। तो कार्टिशन के लिए आप एफ जी एच की वैल्यू वन 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 डाल दो और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आप एक्स वाई जेड डाल दो। सिलेंड्रिकल के लिए करोगे तो आपको वैसे अलग मिलेगा, ठीक है। वैसे ही सेम लैप्लाशियन मैंने बताया नहीं है, बट लैप्लाशियन का भी एक जनरलाइज फॉर्मूला है वो भी अपन देख लेते। लैप्लाशियन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो है अब लैप्लाशियन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है, लैप्लाशियन मतलब क्या होता है, जो अपन डेल ऑपरेट करते हैं ना उसका स्क्वायर आप क्या करते हो एफ को लगाते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ जी एच डेल बाय डेल यू जी एच बाय एफ डी टी बाय डी यू, ठीक है, प्लस डी बाय डी वी एफ एच बाय जी डेल टी बाय डेल वी प्लस डेल बाय डेल डब्ल्यू एफ जी बाय एच डी टी बाय डी
डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका लैप्लासियन का जनरलाइज फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? लैप्लासियन का जनरलाइज फॉर्मूला, ठीक है। लैप्लासियन के जनरलाइज फॉर्मूला अगर आपको कार्टेशियन के लिए निकालना है तो आप निकाल सकते हो इजीली। आपके पास एफ जी एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन, तो ये एफ जी एच तो वन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? डेल बाय डेल एक्स। एफ जी एच की वैल्यू फिर से वन है तो यहाँ पर क्या होगा? डेल बाय डेल यू, डेल टी बाय डेल यू मीन्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा? डेल बाय डेल वाई, तो डेल टी बाय डेल वाई हो जाएगा, ओके। और देन प्लस डेल बाय डेल जेड, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डेल टी बाय डेल, ठीक है। तो ये लैप्लाशियन किसके लिए हो जाएगा? आपके पास कार्टिशियन के लिए लैप्लाशियन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स में अपने यहाँ पर आज जो है वेक्टर्स में क्या देखा? वेक्टर्स में अपन ने वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है वो देखा। तो यहाँ पर वेक्टर्स अपन कंप्लीट करते हैं और इसके जो क्या क्या अपन ने देखा उसका समराइज कर लेते हैं, क्या क्या अपन ने देखा यहाँ पर। तो वेक्टर्स में फर्स्टली अपन ने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी होती है आपकी सेलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटीज होती है। फिर अपन ने स्केलर क्वांटिटी में क्या देखा कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में अपन ने क्या देखा? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो ऐसे बताया था कि वो जो है इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होती है बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन अपन ने देखा, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन मेनली टू टाइप के, एक तो है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्या है आपके पास? डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अपन डॉट से शो करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अपन क्रॉस से शो करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों भी आप बोल सकते हो। फिर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन ने देखा। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब थ्री वेक्टर्स है तो थ्री वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। ट्रिपल प्रोडक्ट में भी अपन ने दो टाइप के प्रोडक्ट देखे, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, और दूसरा है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या फर्क था? बस इतना ही था। यहाँ पर क्या? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ये था आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देन अपन ने क्या देखा? उसके बाद में अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी। क्या देखी अपन ने? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देयर आर फोर मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सी? फोर मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी है आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड देन है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन क्या आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये चार सिस्टम है, इसमें फिर अपन ने कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल चारों के जो एक्स वाई और जेड को कैसे डिनोट करते हैं वो देखा। उसके बाद अपन ने ये देखा लाइन एलिमेंट फॉर कार्टेशियन, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और उसके बाद में वॉल्यूम एलिमेंट फॉर कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, चारों के लिए भी एलिमेंट्स अपन ने देखे। उसके बाद अपन ने ग्रेडियंट क्या होता है, देन डाइवर्जेंट क्या होता है और देन कर्ल क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी की। इसके प्रॉब्लम्स भी अपन ने बहुत सारे सॉल्व किए, ठीक है, ये भी अपन ने इसमें देखा। तो ये सब अपन ने किसमें देखा? वेक्टर्स में देखा, ठीक है। अब अपना जो मेन सिलेबस है, मैंने सिलेबस ऐप पर डाला था, तो ये जो अपना मेन सिलेबस है इसमें आज अपन ने बहुत कुछ कवर किया है। भले ही यहाँ पर सिर्फ दिख रहा उतना ही होगा आपको, देखो आपने आज बहुत सारा देखा है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने देखे, 2000 टेस्ट का, पीआईपीआर की,
गेट के, एसयू के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सारा अपन ने ये देख लिया। ठीक है, अब इसमें अपन ने मैट्रिक्स को डिटेल स्टडी किया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिटेल स्टडी किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल स्टडी किया, एनालिसिस को पूरा स्टडी तो नहीं हुआ है अपना, लेकिन हो चुका है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर देखो सिलेबस, अब ये जो सब अपन ने देखा, जो कुछ भी आज अपन ने देखा, वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल गेट, जेस्ट, IIT जाम, CSIR नेट, MSCET, BARC, INET, TIFR, DUBHU और GIS। इसमें जो एग्जाम्स है आपके, जो एग्जाम्स है ये मैं पिंक से शो कर रही हूँ, गेट, जेस्ट, IIT जाम, उसके बाद में आपका INET एंड TIFR, DUBHU। ये जो सारे एग्जाम्स है वो BSc स्टूडेंट एज वेल एज MSc स्टूडेंट दोनों भी दे सकते हैं, फॉर इंटीग्रेटेड PhD एंड फॉर PhD। ठीक है, ये सारे एक दे सकते हैं, लेकिन INET जो है वो BSc स्टूडेंट दे सकते हैं, MSc स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन फॉर ओनली PhD, नॉट इंटीग्रेटेड PhD। ओके, तो यहाँ पर INET में कैसा होता है, INET की जो एग्जाम होती है वो क्या करते हैं, अगर सपोज मैं BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने INET की एग्जाम दी, तो INET एग्जाम देने के बाद में मेरा क्या ले लेंगे, वो इंटरव्यू ले लेंगे। इफ मैं इंटरव्यू क्वालिफाई करती हूँ तो मुझे ऐसा बोला जाएगा कि आप MSc 2 ईयर्स कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो, आपका IU का पुणे में, फिर आप PhD के लिए बाद में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है INET एग्जाम का। तो ये सारे जो एग्जाम है, गेट, जेस, IIT जाम, INET, TIFR, DUBHU और अदर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम जो है वो BSc एज वेल एज MSc स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। ठीक है, TIFR जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके लिए स्पेशल है। जेस्ट में आप साइंटिफिक रिसर्च जो करते हो, रिसर्च सेंटर लाइक CSIR, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आइजर हो गया, उसके बाद में IISc हो गया, या फिर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है लाइक TIFR, BARC के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके लिए आपको काम आते हैं। और ये जो बाकी सारे एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम जो है वो MSc स्टूडेंट दे सकते हैं। IIT जाम फॉर सिर्फ ओनली इंटीग्रेटेड के लिए नहीं होता, ओनली MSc एंट्रेंस होती है, तो IIT जाम भी MSc स्टूडेंट दे सकते हैं अगर उनकी इच्छा है IIT से या फिर वेल नोन इंस्टीट्यूट से आपको PhD करनी है तो। ठीक है, ये तो जनरल बात होगी एग्जाम्स की। फिर अपन ने इसमें सिलेबस में देखो, मैंने सिलेबस लाया था मैथमेटिकल फिजिक्स। देखो अपने पास जो फिजिकल साइंस में 9 सब्जेक्ट होते हैं, ओके, 9 सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, फिर फोर्थ होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स एक में, ओके, स्टैटिस्टिकल और थर्मो एक में होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है फिर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका डिजिटल, एक होता है आपका एनालॉग। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल ये दोनों मिला के, देन आपके पास होता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट मिलाकर एक होता है। देन होता है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, ये भी 2 सब्जेक्ट मिलाकर एक ये होता है। देन होता है आपका SSP में होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या फिर CMP भी बोलते हैं उसको, कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है आपका MMP, CM, QM, स्टैट थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैट, न्यूक्लियर पार्टिकल, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, SSP, और कौन सा सब्जेक्ट होता है आपको। तो ऐसे जनरली आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, देयर आर 9 सब्जेक्ट, टोटली 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट में मेन जो है आपका, मेन जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स है। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप बाकी सब कर सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो उसका वेटेज है वो ज्यादा है, जो लाइक अगर 200 मार्क्स का अपना CSIR का पेपर अगर होता है, 200 मार्क्स का CSIR का पेपर होता है, उसमें 30-35 मार्क्स जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स से आते हैं। ठीक है, 30-35 मार्क्स आते हैं, ओके। देन अगर सपोज मैं BARC की बात करूँ, तो BARC में भी बहुत सारे क्वेश्चन MMC से आते हैं। UPSC जियो साइंटिस्ट की जो एग्जाम होती है फॉर GIS, जियो साइंटिस्ट एक पोस्ट है, उसके लिए UPSC एक एग्जाम लेती है, उसमें मैथमेटिकल से ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चन आते हैं।
120 क्वेश्चन में से 18 to 90 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स का मैंने यहाँ पर हर एक एग्जाम का सिलेबस लिया है। क्यों लिया है? आपको ये बताने के लिए कि मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स का सिलेबस भले ही वास्ट होता है, लेकिन आज अपन ने वेक्टर देखा, उसके साथ अपन ने कॉम्प्लेक्स देखा, और उसके पहले अपन ने क्या देखा था, उसके पहले अपन ने देखा था मैट्रिक्स। तो ये जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का 30% सिलेबस कवर करता है। फिर ये अगर समझ में आया तो ही आप फॉरियर, लैपलास, स्पेशल फंक्शन, उसके बाद में बाकी सब चीजों पे इसी से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, टेंसर तो नहीं, अपन ने और क्या लिया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिया जेस्ट का, ठीक है। जेस्ट में देखो, जेस्ट में जो एग्जाम होती है फॉर बीएससी एंड एमएससी दोनों के लिए होती है ना, तो बीएससी और एमएससी के लिए कोई अलग पेपर नहीं होता है, सेम पेपर होता है। कैसा पेपर होता है? सेम पेपर होता है। फिर बीएससी स्टूडेंट और एमएससी स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट किसके लिए अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। और एमएससी स्टूडेंट किसके लिए अप्लाई करते हैं? पीएचडी के लिए। तो दोनों के लिए सेम पेपर है, तो फिर कैसे कैसे वो करते होंगे? तो वो क्या करते हैं, आपका जो कट ऑफ है वो देखते हैं, कट ऑफ क्या करते हैं वो देखते हैं। कट ऑफ बीएससी स्टूडेंट के लिए थोड़ा कम लगता है, सपोज अगर कट ऑफ पीएचडी के लिए अगर सपोज टू बी कट ऑफ 33 लगा, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 27 वगैरह ऐसे लगाते हैं। तो जेस्ट में ऐसा होता है। देन नेक्स्ट जो एग्जाम है वो कौन सी है आपकी, नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है आईनेट। अब आईनेट जो एग्जाम है इसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स जो है, ये जो आपको दिए वाला है बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपका यही आता है, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स एंड मैट्रिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में यही आता है। अब ये जो आईनेट एग्जाम है इसके फॉर्म बहुत कम निकलते हैं, और इसका कैसे फर्स्ट डे एग्जाम होती है, एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर एग्जाम में ही उसी दिन आपके मार्क्स शाम में डिक्लेयर किए जाते हैं, और शाम में जिस जिनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है उनको दूसरे दिन इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको वो डिसाइड करते हैं कि आयु का पुणे में आपको पीएचडी करना है। अगर बीएससी स्टूडेंट ने ये एग्जाम दी तो उनके लिए ये एक फायदा होता है कि आप एमएससी कोई भी इंस्टीट्यूट से जाकर कर लो, और फिर पीएचडी के लिए आप जाकर आयुका में ले लो। आयुका भी एक गवर्नमेंट ऑथराइज एक अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहां पर एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई होती है, ठीक है। ये हो गया आपका आईनेट एग्जाम के बारे में, जिसमें भी आज मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कुछ भी अपन ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गेट। अब गेट एग्जाम तो फर्स्टली पहले कौन देता था? ओनली एमएससी स्टूडेंट देता था, बट ये दो ईयर है, लास्ट टू ईयर्स 2021 2022 के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें बीएससी स्टूडेंट्स को भी ये अलाउ किया गया है। बीएससी कौन से स्टूडेंट? थर्ड ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट भी गेट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। गेट एग्जाम जो है वो 100 मार्क का होता है, और गेट एग्जाम का तो आप ONGC एंड पर्टिकुलर आप बहुत सारे इसमें लग सकते हो। गेट एग्जाम इज गॉड ऑफ ऑल एग्जाम ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको BRC में जाना है, DRDO में जाना है, कोई दूसरे भी इस इंस्टीट्यूट में जाना है, तो गेट स्कोर कार्ड जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अब मैथमेटिकल फिजिक्स जो है गेट में भी है, उसमें भी देखो यहाँ पर क्या है, वेक्टर कैलकुलस अपन ने देखा, उसके बाद में यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है, और उसके साथ साथ मैट्रिक्स भी आपको विक्स में मिलता है, क्योंकि अपन ने देखा ना आइगन वैल्यूज देखा, आइगन वेक्टर्स देखा, मैट्रिक्स देखा है ना, ये सारी चीजें अपन ने आज देखी, और गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। तो गेट एग्जाम का हो गया। देन नेक्स्ट एग्जाम जो है वो है आपकी BARC की। तो BARC की जो एग्जाम है ये स्पेशली एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर द साइंटिस्ट बी ऑफिसर। किसके लिए? साइंटिस्ट बी ऑफिसर के लिए। अब साइंटिस्ट बी ऑफिसर के लिए मीन्स आप एमएससी फाइनल ईयर में हो या फिर एमएससी पास आउट हो, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं साइंटिस्ट बी की। BARC साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी एक एग्जाम लेता है, जिसमें आप बीएससी होना चाहिए। बीएससी हो तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम दे सकते हो और उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो BARC का जो पेपर है वो टफ कम आता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्वांटिटी क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा होते हैं, गेट लेवल के होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से एक्यूरेसी और स्पीड
दोनों भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसमें भी मैथमेटिकल फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है, और भले ही यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा, लेकिन ये सारी चीजें आती है, ठीक है। एज सच TIFR में भी ऐसा ही है, TIFR ने कोई ऐसा सिलेबस नहीं दिया है, बस उन्होंने सब्जेक्ट के नाम लिख लिए मैथमेटिकल फिजिक्स। ऑल द रिलेवेंट MSc BSc के लिए जो भी मास्टर अंडर ग्रेजुएट और मास्टर लेवल पे इंडियन इंस्टीट्यूट में जो भी मेन मेन सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, और जो भी मेन मेन टॉपिक है वो यहाँ पर आते हैं। तो TIFR में भी जो मैथ रिलेवेंट टू फिजिक्स है वो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। तो TIFR में सिर्फ एक होता है, TIFR 3 पार्ट में होता है, ABC। तो जो आपके BSc स्टूडेंट है और जो आपके MSc स्टूडेंट है, तो बी पार्ट जो है वो BSc एंड MSc स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है, पार्ट ए और पार्ट सी जो है वो सेम होता है, ठीक है। और TIFR में भी NAT आते हैं, MCQ आते हैं, ठीक है, ये TIFR की बात हो गई। देन नेक्स्ट जो एग्जाम है इसमें भी मैथमेटिकल रिलेवेंट टू फिजिक्स में ये आएगा, वेक्टर आएगा, मैट्रिक्स आएगा, और ये भी आएगा। अब MS सेट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट है फॉर द टीचर्स। तो अब यहाँ पर MS सेट में जैसे महाराष्ट्र में MS सेट होती है, वैसे ही अदर कंट्रीज अदर स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर आता है, सेकंड पेपर आता है, और 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर आता है। तो इसमें भी बेसिक मैथमेटिकल मेथड्स है, इसमें भी वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, देन अपना मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये है अपना MS सेट। MS सेट के जैसे गुजरात में अलग होती है, गुजरात की एलिजिबिलिटी टेस्ट, RPSC राजस्थान के लिए होती है, अदर भी यहाँ पर होती है, ठीक है। अब CSIR नेट एग्जाम तो सभी को पता है, CSIR नेट एग्जाम होती है जिसमें आप LS निकाल सकते हो और GRF निकाल सकते हो। LS का क्राइटेरिया अलग होता है, GRF का क्राइटेरिया अलग होता है। तो मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में आपके पास यहाँ पर डायगोनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये मिलेगा, मैट्रिक्स भी मिलेंगे, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन, कैली हैमिल्टन थ्योरम आज अपन ने देखा, मैट्रिक्सेस, लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीजें इसमें भी है। और CSIR में पक्का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है, पक्का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है। तो ये सारी हो गई इस एग्जाम के बारे में, ठीक है, ये एग्जाम के बारे में। लाइक जियोफिजिसिस्ट में भी, जियोफिजिसिस्ट जो एग्जाम होती है वो भी इसमें भी सब आता है, वेक्टर एनालिसिस। जियोफिजिसिस्ट में भी ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी वेक्टर आता है, मैट्रिसेस आता है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो जियोफिजिसिस्ट भी होता है। तो जियोफिजिसिस में भी ये होता है। तो अपन ने आज जो सारी देखा है, ये सारी जो एग्जाम्स के ऊपर जो भी अपन ने आज देखा, मैट्रिक्स देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, और ये देखा, तो ये सारे जो एग्जाम्स है इसका कोलैबोरेशन करके मैंने पूरा एक डिजाइन किया था कोर्स, जिसमें अपन ने मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, सारे मैट्रिक्स के टाइप देखे, बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन देखे। देखो यहाँ पर GATE का क्वेश्चन था, ZEST का क्वेश्चन था, देन TIFR के भी क्वेश्चन दिए, देन IIT एग्जाम का क्वेश्चन दिया, देन अपने क्वेश्चन वापस से GATE अदर भी सिंपल भी एग्जाम्पल ले लेके मैंने आपको बताया, CSIR के सारे एग्जाम कवर किए, मतलब BSc से लेके MSc के जो भी 6-7 एग्जाम्स है सारे यहाँ पर अपन ने कवर किए, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए, थ्योरी भी सॉल्व किया, और उसके बाद में कैसे रिलेवेंट है ये भी अपन ने सब देखा, ठीक है। तो IIT यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने दिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स में आगे का जो पार्ट है वो टेलर सीरीज वगैरह वो रहा है, वेक्टर में भी वेक्टर अलजेब्रा मैंने देखा है, वेक्टर कैलकुलस जो है, कैलकुलस वाला पार्ट जो है वो रह चुका है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो जो IIT जाम, CSIR, GATE और जो बेसिक है इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो अपना सारा हो चुका है, ठीक है। तो TIFR के क्वेश्चन, ZEST के क्वेश्चन, सारे मिलने थॉमसन, सारे की सारा अपन ने यहाँ पर देख लिया है। तो फाइनली ये जो मैराथन है वो अब कंप्लीट होने के ऊपर आया है,
अब जो अपन ने मैट्रिसेस के टाइप देखे उसमें भी अपन ने यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन लिए थे उसमें एक आपको इम्पोर्टेंट बात थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप देखे थे अपने, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ये जो सारे हैं इसके प्रॉपर्टीज देखकर अपन ने जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, गेट के टेस्ट के। अदर जो पीवाईक्यूज है लाइक बीएआरसी का जो आपके पास पेपर जो है वो नहीं मिलता है। बीएआरसी का क्राइटेरिया ऐसा है कि बीएआरसी का पेपर जो है ऑनलाइन आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने बीएआरसी पीवाई क्यूज डाले तो आपको ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेगा। सर भी बोले थे सर, तो ये आईएनएट वगैरह एग्जाम का भी हो जाएगा। ठीक है, सो आज का ये जो लेक्चर है वो अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ज्वाइन सब कुछ आज का जो महामैराथन लेक्चर था अपना फिजिकल साइंस पे आज कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पेइंग अटेंशन टू दिस महामैराथन ऑफ 17 आवर्स, 16 एंड हाफ आवर्स।
हाय, दिस इज रविंद्र जोगदंड, डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी औरंगाबाद, एंड हियर राजश्री कावरा इज कंक्लूडिंग हर सेशन ऑफ लॉन्गेस्ट लेक्चर एट दिस प्रेजेंटली 6th of May 2020, एंड टाइम इज 12:20 AM. थैंक यू. Thank you so much, sir. Yes, yes. Congrats. Thank you, sir. Thank you so much for all. Yes. Thank you so much for joining and paying attention to the lecture, my marathon lecture of 16 and a half hours. Thank you for your support. Literally, this is a very marathon lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I am so happy. I am Dr. Vishnu Patil, Internal Quality Assurance Cell Coordinator of Devagiri College. And I'm so happy to see Rajashree giving this lecture from morning to this midnight and completing more than 16 hours. Whole Devagiri College is so proud of her. I really congratulate her on behalf of MSP Mandal, Devagiri College, Principal of Devagiri College, all vice principals, More sir from physics department, and all staff, supporting staff who supported this event from the morning, Muske sir and all of them, and yes, the great support from her friends and Vishnu. Yeah, this made this event very successful, and yes, we salute the energy of Rajashree. Well done. And here we conclude this session. Thank you so much to all of you who remained in the meet and yes, encouraged her for this marathon. Thank you so much. Thank you.